नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल जीके स्पेशल क्लास में। आपका विद्यार्थियों, आज हम न्यू जिला पढ़ेंगे सलूम्बर। कौन सा जिला पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों? सलूम्बर। ये इनका छोटा सा मैप बनाया मैंने सलूम्बर की। ये तहसील है, ये इनसे लगने वाले जिले हैं, आप देख लेना इनको। फिर उदयपुर से कटके बना है सलूम्बर, उदयपुर से कटके बना है विद्यार्थियों। इसमें चार उपखंड है, पांच तहसील है सलूम्बर में। चार उपखंड है, पांच तहसील है विद्यार्थियों। कौन कौन सी है? सराड़ा, सोमारी, सलूम्बर, लसाड़िया, जलारा। सराड़ा, सोमारी, सलूम्बर, लसाड़िया, जलारा, ये चार पांच तहसील है विद्यार्थियों। सीमा बनाने वाले जिले हैं उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। मैंने एक एक नाम लिखा है, शॉर्ट आप पूरा लिख लेना। उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, ये चार इनसे सीमा बनाने वाले जिले हैं विद्यार्थियों। सलूम्बर चुड़ावत होगा प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। तो चुड़ावत, चुंडावत कौन थे? चुंडावत राणा लाखा। आपने मेवाड़ में पढ़ा होगा, या जो गलबा तैयारी कर रहे हैं उनको मैं पढ़ाऊंगी। मेवाड़ तक पूरा आपको समझ में आएगा। राणा लाखा, लाखा का बेटा था बड़ा बेटा चूड़ा। बेटा बेटा का नाम चूड़ा था, छोटा था मोकल। मोकल राणा लाखा का छोटा बेटा था। चूड़ा ने प्रतीक्षा ली, चूड़ा भीष्म पितामह कहलाता था। उन्होंने प्रतीक्षा ली थी अपने पिता के लिए, कभी भी राजपाट पर, कभी गद्दी पर नहीं बैठेगा वो, कभी मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठेगा। इसलिए उन्होंने वो थे चुंडावत। तो उनकी सलूम्बर, उनको सलूम्बर दिया गया था। बड़े बड़े मतलब चीजें उन लाखा ने उनको सौंपी थी। तो सलूम्बर चुंडावत होगा प्रथम सरणी का ठिकाना था। ठिकाना क्या है ये भी आप, जब मैं आपको मेवाड़ पढ़ूंगी तभी बताऊंगी, अभी आपको समझ में आएगा नहीं। और जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो बताइए ठिकाना क्या है, चुंडावत कौन थे। सलूम्बर चुंडावत होगा प्रथम सरणी का ठिकाना था। खानवा युद्ध में सलूम्बर से रतन सिंह चुंडावत गया था। खानवा युद्ध में सलूम्बर से रतन सिंह चुंडावत गया था। रतन सिंह चुंडावत खानवा युद्ध में सलूम्बर से गया था। हाड़ी रानी का स्मारक कहाँ है सलूम्बर में विद्यार्थियों? हाड़ी रानी का स्मारक है। हाड़ी रानी या रूठी रानी, वो मेन तो रूठी रानी वो उम्मा थी। ऐसे पहले जो रानी रूठ जाती थी उनके लिए एक मेल बनाते थे, वो थी रूठी रानी। हाड़ी रानी का स्मारक कहाँ है सलूम्बर में? तो विद्यार्थियों ये इनका मैप है, कौन कौन से तहसील है। पहले यहाँ है सराड़ा, ऐसे ही बनाना, उठ फूट मत बनाना। ऊपर है सराड़ा, फिर है समारी, फिर ये इतना ऐसे सलूम्बर है लंबा लंबा ऐसे। ये है सलूम्बर, ये है लसाड़िया, ये है जलारा नीचे। इधर है प्रतापगढ़, इधर है चित्तौड़गढ़, इधर है उदयपुर, इधर है डूंगरपुर। ये इनसे सीमा बनाने वाले जिले है। इनका स्क्रीन छोड़ लो, फिर हम आगे चल रहे हैं। ले लिया होगा विद्यार्थियों आपने, उदयपुर से कटके बनना है। इसके चार उपखंड में पांच तहसील है। कौन कौन सी है? सरड़ा, सोमारी, सलूम्बर, लसाड़िया, जलारा है। सीमा बनाने वाला चार जिले हैं कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ है। सलूम्बर चुड़ावत होगा प्रथम सरणी का ठिकाना है, याद रखना विद्यार्थियों। खानवा युद्ध में सलूम्बर से रतन सिंह चुंडावत गया था। हाड़ी रानी का स्मारक कहाँ है सलूम्बर में है विद्यार्थियों? आपने इनके स्क्रीन शॉट ले लिया होगा अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। Thank you.
सबसे बड़ी झील है हमारे उदयपुर की जैसलमेर झील, या इसी को बोलते हैं ढेबर झील। यह सबसे प्यारी झील थी और सबसे बड़ी कृत्रिम झील थी। कृत्रिम झील यानी आप समझ दो, एक तो प्रकृति झील होती है जो प्रकृति की किसी चीज से बनती है, एक है कृत्रिम झील। कृत्रिम झील वो होती है विद्यार्थियों जिसको मानव बनाता है। तो यह सबसे बड़ी झील है जैसलमेर झील या ढेबर झील, कहां के विद्यार्थियों? उदयपुर की। लेकिन अब ये उदयपुर में नहीं रही, अभी ये आगे विद्यार्थियों सलूमवर में। पहले ये उदयपुर की झील थी, याद रखना, मुश्किल हो जाता है पीछे वाले को बोलना, आपको बार बार वही याद आएगा और आप ऑप्शन में आएगा पक्का लिखा हुआ आएगा उदयपुर, और आप ये चिपका दोगे ये लो उदयपुर, उदयपुर नहीं अब सलूमवर आ गया है। जैसलमेर झील या ढेबर झील है सलूमवर में विद्यार्थियों, इसका निर्माण किसने कराया था? अभी तो मैं यहाँ मोस्ट बात बता रही हूँ झील की, फिर जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे पूरी। निर्माण किसने कराया था? जय सिंह द्वारा गोमती नदी पर। जय सिंह ने गोमती नदी पर जैसलमेर झील का निर्माण कराया। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील मीठे पानी की कौन सी है? जैसलमेर झील, या इसी का नाम है ढेबर झील। इस पे 60 टापू बने हुए हैं विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ बना के बताती हूँ। जैसे कि ये देखो, ये झील है, आपको दिख रही होगी, हाँ ये झील है। इस पे 1 2 3 4 5 6 ये एक बीच में 7, ऐसे 7 टापू। मैं यहाँ छोटी बना रही हूँ, आप नोटबुक में बड़ी बना लेना, अगर आपको याद रहती हो तो मत बनाना, मैं जैसे ही बता रही हूँ। तो ये है सबसे बड़ा टापू। बड़ा, बड़ा का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। और ये है छोटा, छोटा को क्या कहते हैं? प्यारी। छोटा हमेशा हमारे घर में सबसे प्यारा ही होता है। छोटी भतीजी है, छोटा बहन है, छोटी है, छोटी प्यारी है। तो ऐसे ही समझाने के लिए बता रही हूँ, बड़ा है पापा का भांगड़ा और छोटा है प्यारी। ये है एक झील, इस पर ये 7 टापू बने हुए विद्यार्थियों, यही बात आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ। 7 टापू बने हैं। बड़ा नाम है बाबा का भांगड़ा, छोटा है प्यारी। एक बाबा का मगरा जिसपे रिसोर्ट बना है। एक विद्यार्थियों यहाँ पे पापा का मगरा भी है, बाबा का मगरा बोलते हैं, वहाँ पे रिसोर्ट बना हुआ है, ऐसा हमारे मारवाड़ी में बोलते, तो होटल बनी हुई है, उस पे होटल बनी हुई है विद्यार्थियों। ये बात लिखो तो लिख लेना, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बाबा का मगरा है जिसपे रिसोर्ट बना हुआ है। और ये यहाँ तक ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, पहले भी आती थी अब भी आएगा, ये आएगा। जैसलमेर झील के बड़े टापू का नाम क्या है विद्यार्थियों? बाबा का भांगड़ा। छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। ये आपको याद रह जाएगा, इनके स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। जैसलमेर झील या ढेबर झील कहाँ आ गई विद्यार्थियों? सलूमवर में आ गई है, हमें याद रखना। निर्माण किसने कराया था? जय सिंह द्वारा गोमती नदी पे। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 7 टापू है। बड़ा बाबा का भांगड़ा है, छोटा प्यारी है। Thank you.
गोरसन गोरसन बाबा मंदिर कहाँ है? सराडा सलूंबर में। गोरसन बाबा का मंदिर कहाँ है? सराडा सलूंबर में। सराडा तहसील सलूंबर में। यहाँ बेल गुम होने पर मन्नत मांगी जाती है और पूर्ण होने पर बेल चढ़ाए जाते हैं। ये बात मैंने आपको लिखा थी, लोग लिखा थे नहीं है इतनी, मतलब ऐसे इम्पोर्टेंट है लेकिन मैंने ऐसे लिखा दिया। उसमें बेल बेल होते हैं और बेल गुम हो जाता है तो इनसे गोरसन बाबा से मन्नत मांगी जाती है और जब बेल मिल जाता है तो एक बेल इनके चढ़ाया जाता है। चढ़ावा बेल घुमाने पे मन्नत मांगी जाती है और पूर्ण होने पे बेल चढ़ाया जाता है। गोरसन बाबा का मंदिर कहाँ है? सराडा सलूंबर में। फिर है सराडा जैन सलूंबर, इसे मेवाड़ का काला पानी कहा गया है। मेवाड़
जेल को, या बुरे लाल भैया को कैद करके रखा, ये दोनों मोस्ट बात है, याद रखना, वेरी मोस्ट वेरी मोर पे सराड़ा जेल सलूपरी से मेवाड़ का बाग काला पानी कहते थे, काले पानी में किसको रखा, बुरे लाल को, बुरे लाल भैया को कैद करके रखा गया था, बुरा भैया क्या हो गया, काला, ऐसे याद रखने मजाक की बात है। तो सराड़ा जेल सलूपरी से मेवाड़ का काला पानी कहते हैं, यहाँ बुरे लाल भैया को कैद करके रखा गया, स्क्रीन शॉट लो जल्दी, फिर आगे चल रहे, ले लिया होगा। विद्यार्थियों अब देख लो, महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी कौन सी है, चावंड, 28 साल रही चावंड, कहां तक रही थी, कितने साल रही, 28 साल चावंड। महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी है, चामुंडा माता का मंदिर कहां है, चावंड में है। विद्यार्थियों महाराणा प्रताप की छतरी कहां है, भांडोली सलूंबर, महाराणा प्रताप की छतरी कहां है विद्यार्थियों, भांडोली सलूंबर में। ये 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की छतरी है, महाराणा प्रताप की छतरी विद्यार्थियों कितने खंभों की है, 8 खंभों की, 8 खंभों की छतरी है, और कहां है महाराणा प्रताप की छतरी, भांडोली सलूंबर में। इनका स्क्रीन शॉट लो, ये चारों पांचों बातें वेरी वेरी मोस्ट है विद्यार्थियों, एग्जाम में आई हुई है, आएगी पक्का इनमें से, तो इसको याद रखना और इनका स्क्रीन शॉट लो, ले लिया होगा। एक बार मैं जल्दी जल्दी बोल देती हूँ, महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी चामुंड 28 साल रही है, महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी चामुंड, चामुंड है, चामुंडा माता का मंदिर बना गया है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है, पांडवली सलूंबर में है। ये 8 खंभों की महाराणा प्रताप की छतरी है, आपने स्क्रीन शॉट ले लिया, चलो आगे चलते हैं।
कविता के एक आपने बढ़ावा माही नदी, एक दिन आपको मैंने बढ़ाया भी था माही नदी। सो माही जाकम का तिरवेणी संगम बनता है, कहाँ बनता है? नवा टापरा डूंगरपुर में, नवा टापरा डूंगरपुर में सो माही जाकम का तिरवेणी संगम बनता था और बेणेश्वर धाम में बनता था। आपको मैंने एक दिन शायद ये नदी पढ़ी थी, तो इस नदी का माही और जाकम नहीं, अभी मैं सिर्फ सोम का बता रही हूँ। सोम नदी कहाँ कहाँ से निकलती है? उदयपुर सलूम्बर में डूंगरपुर से बहती है, उदयपुर सलूम्बर डूंगरपुर। अभी ये तीन जिलों से बहती है, कौन कौन से? उदयपुर सलूम्बर डूंगरपुर, तीन जिलों से कौन सी नदी बहती है विद्यार्थियों? सोम। यहाँ से ये सोम उदयपुर डूंगरपुर सलूम्बर तीन जिलों से बहती है। इसके स्क्रीन शॉट लो, ले लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। तो विद्यार्थियों जाखम, अभी मैंने आपको यहाँ चित्र बना के बताया था ना, ये तो माही है, ये सोम है, ये जाखम है, इधर से जाखम, ये सोम तो भी बताया था, ये जाखम। जाखम कौन कौन से जिलों से बहती है? जाखम बहती है प्रतापगढ़ सलूम्बर डूंगरपुर, प्रतापगढ़ सलूम्बर डूंगरपुर से कौन सी नदी बहती है? जाखम बहती है विद्यार्थियों। ये देखो, ये मैंने आपको भी चित्र बना के बताया था, ये तो है माही नदी और ये इधर सोम नदी और ये इधर जाखम नदी। तो ये जाखम कौन कौन से जिलों से बहती है? प्रतापगढ़ सलूम्बर डूंगरपुर से बहती है। तो विद्यार्थियों ये था हमारे सलूम्बर जिला। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन हम अगला एक न्यू जिला लेकर आएंगे। उस तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।